नमस्कार मु बनिता आपण मानक ओडिया घर स्वाद कुकिंग चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिबा महाप्रभु जगन्नाथ 56 भोग मध्यरु गोटिए भोग महुर। श्रीमंदिर महुर परित प्रस्तुत करिपारिबि नाही, तथापि गोटे छोटिया प्रयास करिछि एहाकु प्रिपेयर करिबा पई। जदि कौनसी त्रुटि रही जाइथाय मते क्षमा करिदेबे ओ भिडियोटि भल लागिले लाइक शेयर ओ सब्सक्राइब करिनेबे। तेबे चालंतु देखिनेबा आजर रेसिपी पई कोन कोन सामग्री सब आवश्यक। मु एठी एही सब परिवा नेछि, चालंतु देखिनेबा। मु एठी पोटल नेछि, मूला नेछि, कखार को एहिपरि चोपा सह काटि नेछि कारण मंदिर रे चोपा छोडाई कखार कटा जायनि। कंचा कदळी नेछि, झुडंग नेछि, कंदमूल नेछि, सारु नेछि ओ माटी आळु नेछि। महाप्रसाद रे आळु बैगण ओ टमाटर व्यवहार हुए नाही, सेति पई मु एठी नेइ नाही। हेंगु नेछि, हाफ कप पाखापाखि मु नड़िया कोरा नेछि, कला सोला बुट को मुपरी भिजाई की नहींचि। यह मु 4-5 घंटा पानी रे सोक करने को रखिदी। ये 3-4 चामच पाखापाखि मु गुआ घी नहींचि, हाफ कप नाड़ी बड़ी नहींचि और मु घी रे भाजी नहींचि। आपणक पाखरे जदि नाड़ी बड़ी अवेलेबल नथाय ताले आपण एहा जागरे बिरी बड़ी नहीं पारिबे। लूनो नहींचि स्वाद अनुसार, हळदी पाउडर नहींचि 1 चामच, गुड़ नहींचि 2 बड़ चामच। छुंक देवा लगे मु 1 चामच सोरस और हाफ चामच जीरा नहींचि। मसला गुंड प्रस्तुत करने मुझे धनिया बड़ चामच, डालचीनी, लवंग, तेजपत्र, गुजराती अदा, पान महुरी, जीरा और गोलमरीच, यही सब सामग्री को नहीं आम प्रस्तुत करने महुर। प्रथम यही मसलार सामग्री गुड़ी आम टे ड्राए रोस्ट करने, तेजपत्र को छाड़ी आम यही सब सामग्री को सब ड्राए रोस्ट करने। से गोटे पैन को गैस उपर मीडियम फ्लेम रे गरम होगा रखीदी। बर्तमान से आम सब गोटा मसला गुड़ी देद और यहपर चलाई चलाई 2-3 मिनिट भाजने। बर्तमान मसला गुड़ी आम भाजी हो जाए, आम पैन रु काढ़ यही मसला गुड़िक सहित आम अदा को मिसाई ने और अल्प पानी एड कर ग्राइंडर साहाज्य आम यह भल भाव बाटिने। यहीपर भाव बर्तमान महुर प्रस्तुत करने मु गोटे मटीर हाँ को गैस उपरे रखिदे, कारण जगन्नाथ महाप्रभुं सब प्रसाद मटी हाँ प्रस्तुत होता है। से गोटे मटी हाँ गरम हाँपाई गैस उपरे रखिदे। गैस फ्लेम को मुझे मीडियम रखी से आम 2 चामच घी देदे। आपड़ चाहिए यह कड़ाई में किंवा डेक्ची भी करें। बर्तमान घी गरम हो आसी से आम नहीं तेजपत्र को आड करे। बर्तमान से आम बाटिक रखि सब मसलार पेस्ट को आड करे और ग्राइंडर जार को टिके धोईने और ताकु मसला सहित आड करे। बर्तमान यह गोलाइने मुझे गैस फ्लेम को मीडियम रखी और यहाँ टे बॉयल होगा देवा। आपड़ देखिपे आमर मसला भल भाव बॉयल हो आसला। बर्तमान से आम सब पर गुड़ी आड करे। बर्तमान आम हाफ पर आड करे और गोटे स्पैचुला साहाज्य गोलाइने। महाप्रभुं महाप्रसाद प्रस्तुति समय रे ना स्पैचुला यूज होता है ना पॉट को कवर करा जाए थाए। एमती खोला पॉट्रे ही महाप्रभु महाप्रसाद सब प्रस्तुत करा जाए थाए। किंतु आम यह घरे प्रस्तुत करपैचुटार व्यवहार भी करुचे और यार लीड को भी मुझे कवर करके कुक करी। बर्तमान मुझे सब पर आड करनी भल भाव मिक्स करे। बर्तमान एम भिजा कला बुट को देद, स्वाद अनुसार लुण और हलदी पाउडर को आड करे। किंतु ठाकुर भोग में यही लुण व्यवहार हो न था, मंदिर में गोड़ा लुण बा रॉक सॉल्ट व्यवहार होता है। बर्तमान आमर पर सीझापी जीक पा दरकार आम से आड करे। मुझे पखापाखि 1.5 ग्लास पा आड करे भल भाव गोलाइने और यह लीड कभर करे और पर गुड़ी सीझा को देवा। गैस फ्लेम को मीठी मीडियम रखी पखापाखि 15 मिनिट कुक यार लीड को खोली नहीं देखिपे पर गुड़ी आम हल्का सॉफ्ट हो आसला। बर्तमान आम ए गुड़ को आड करे ओ नड़िया कोरा को आड करे। मुझे सब नड़िया कोरा आड करनी, अल्प रखी नहीं आम शेष आड करवा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଗୋଳାଇ ନେବା ଓ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରି ନେବା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ନାଡ଼ିବଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ନାଡ଼ିବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଡଙ୍କିରେ ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଓ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଓ ଜିରାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହିଙ୍ଗୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମହୁର ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଛୁଙ୍କର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆମର ମହୁରରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆପଣ ଏହି ମହୁରର ରେସିପିକୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଥିଲେ ଏବେ ତାହାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ମହୁର। ଏହାକୁ ଏକଦମ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବସ୍ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।